नमस्कार दर्शकों, एचयूडी की इस चुनावी वेला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपिका। अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 6 में, जहां से जो है प्रत्याशी खड़ी हैं, यहां से रजनी वर्मा जी। तो हम उनसे जानते हैं कि उनका चुनावी चिन्ह जो है वो क्या है और प्रचार प्रसार के दौरान लोगों का कैसा सहयोग है। नमस्कार मैम, एचयूडी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, आपको चुनावी चिन्ह जो है वो क्या मिला है? मेरा चुनावी चिन्ह है सिलाई मशीन। आप जैसे प्रचार प्रसार कर रही हैं तो लोगों का कैसा सहयोग जो है आपको मिल रहा है? मैं जहाँ कहीं भी जा रही हूँ, मुझे लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप प्रचार जैसे कर रही हैं तो लोग क्या जो है समस्याएं आपके समक्ष बता रहे हैं? लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ पे जो नालियों का पानी जो है वो रास्तों के ऊपर बहता है, और बारिश के पानी का भी कोई निकास नहीं है। तो सबसे एक ये अहम प्रॉब्लम है सबकी कि ये जो सीवरेज है इसको ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। और क्या जैसे प्रॉब्लम्स होंगी बताई होंगी लोगों ने? लोग ये भी बोल रहे हैं कि लोगों के घरों के आगे लाइट्स नहीं है, कई लोगों के घरों का कूड़ा करकट उठाने के लिए नहीं आते हैं सुबह कोई भी, तो फिर उनको इस समस्या का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। तो ऐसा है कि ये सारा जो ये सफाई अभियान के अंतर्गत जो भी ये आता है उसका मैं इनको भरपूर फ़ायदा दूंगी और सारी इनकी समस्याओं का समाधान करूंगी। सब घरों में जा करके मैं सबकी समस्याएं पूछूंगी और उनका हल करूंगी। इसके अलावा और क्या प्राथमिकताएं हैं आप बाढ़ के प्रति? आजकल कोरोना महामारी हर जगह फैली हुई है, तो इस बीमारी के से लड़ने के लिए मैं हर गलियों को हर जगह जा कर के सैनिटाइज करवाऊंगी, और जो भी ये बीपीएल परिवार पात्र होगा इसका, उसको इस बीपीएल परिवार के साथ जोड़ूंगी और इसका भरपूर फ़ायदा दूंगी। और जो भी किसी को, अगर किसी को विडो पेंशन या बुढ़ापा पेंशन से कोई वंचित रह गया हो तो उनको भी वो दिलवाऊंगी। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? मेरी प्राथमिकता ये है, पहले तो यही प्राथमिकता है कि मैं यहाँ पे इस बाढ़ को स्वच्छ बनाऊं, और इसके साथ साथ ये भी है कि इस बाढ़ में कोई पार्क या कोई ऐसे पार्क नहीं है, तो जहाँ भी कहीं उचित जगह मिलेगी वहाँ पे एक पार्क बनवाऊंगी, जिस पार्क का पूरे शहर वासियों को फ़ायदा होगा, वहाँ पर बच्चे बूढ़े सारे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी वार्ड नंबर 6 की रजनी वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वो अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी और जो भी गरीब परिवार हैं सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का उन्हें लाभ देने की कोशिश करेंगी। तो ये थी वार्ड नंबर 6 से रजनी वर्मा जी। मेरा वार्ड नंबर 6 की जनता से अनुरोध है कि मेरा चुनाव निशान सिलाई मशीन है, जो कि ईवीएम मशीन में तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं वार्ड नंबर 6 को स्वच्छ और आदर्श बना सकूं और जनता की सेवा कर सकूं।